हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कल हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके मुख्यालय, स्थापना वर्ष और नए जो उनके अध्यक्ष बने हैं 2024 में अपडेटेड, उन सभी का एक पार्ट हमने कल ट्रिक से कवर किया था, जिसमें हमने 17 से 18 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको कवर किया था ट्रिक से। तो बाकी जो बच गए थे उनको आज हम इस सेकंड पार्ट में कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर दिया है, वहां से डायरेक्टली आप उसको देख सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये सेशन रहने वाला है, आप सभी ने बहुत पसंद किया पहली वीडियो को, तो चलो अब दूसरे पार्ट में हम बचे हुए सभी संस्थानों को कवर करते हैं। तो देखो, ये सभी हमने कल की वीडियो में यहाँ तक कवर कर लिया था, ओपेक तक, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, आज हम यहाँ से कवर करेंगे लास्ट तक सारे जितने भी स्पीडी की बुक में आपके अपडेटेड दिए गए हैं। तो पहला है यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम की स्थापना होती है 1961 में और मुख्यालय इसका स्थित है जकार्ता में और इसके महासचिव है इल्हाम अलीयेव। देखो, इसको याद करने की ट्रिक इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगी। गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, ठीक है। तो भैया, अगर कोई देश कैसा है, गुट निरपेक्ष है, यानी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो कभी भी ऐसे देश पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, है ना। उसको उस पर कभी भी कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो हस्तक्षेप ही नहीं करता है भैया दूसरे के मामले में, है ना। तो उस पर इल्जाम कैसा लगाया, तो इल्जाम बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो इल्जाम से इल्हाम, याद हुआ अध्यक्ष का नाम। तो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए, जाकर के आर्ता उतारना चाहिए, ठीक है। जाकर आर्ता उतारो, इल्जाम मत लगाओ। तो जाके आर्ता से जकार्ता, ठीक है। और कैसे उतारना है आर्ता, एक साथ, है ना, एक साथ, सबको एक साथ खड़े होकर के, एक साथ खड़े होकर के आर्ता उतारना है जाके। तो एक साथ से 61, ठीक है, 1961 में जकार्ता और इल्जाम से इल्हाम, याद हो गया। गुट निरपेक्ष है अगर कोई देश तो भैया उस पर कभी भी इल्जाम मत लगाओ, जाके उसका आर्ता उतारो एक साथ, ठीक है, बढ़िया। आगे चलो, नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना हुई थी 1961 लंदन में, महासचिव है एग्नेस कैलमर्ड। अब इसको ध्यान से देखो, एमनेस्टी यानी आई एम नेस्टी, ठीक है, नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, तो आई एम नेस्टी, ठीक है। तो नेस्टी यानी नेस्ट मतलब घोंसला, इसको नेस्टी से ध्यान रखो, यानी नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला। तो भैया घोंसले में चिड़िया क्या देती है, एग्स देती है, ठीक है, एग्स देती है। तो एग्नेस क्या देती है चिड़िया, घोंसले में, नेस्ट में क्या देती है, एग्स देती है, तो एग्नेस, ठीक है, एग्स देती है तो एग्नेस। और क्या सारे एक साथ ही एग्स देती है या फिर अलग अलग नेस्ट में जाके भैया एक साथ ही एक ही घोंसले में एक ही नेस्ट में एग्स देती है, ऐसा तो नहीं कि एक उस घोंसले में एक उस नेस्ट में, ऐसा तो नहीं, एक साथ एक ही घोंसले में एग्स देती है, ठीक है। तो एक साथ से 1961, तो इस तरीके से हमने एमनेस्टी याद रख लिया कि भाई नेस्ट में एक साथ जो है चिड़िया क्या करती है, एक साथ ही सारे एग्स दे देती है, है ना। अगला है अंकटाड़, UNCTAD, अंकटाड़। इसकी स्थापना होती है 1964 में, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसके महानिदेशक है रेबेका ग्रीन स्पैन। अंकटाड़ को आप कैसे याद रखोगे, अंक, अंकटाड़, अंक से मतलब कि भैया मार्क्स देने हैं, अंक देने हैं, नंबर देने हैं। और नंबर कैसे देने हैं, नंबर देने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पेन चाहिए, है ना। नंबर कैसे दोगे भैया, लिखना पड़ेगा अंक देने के लिए, तो लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए ग्रीन पेन चाहिए, है ना। अंक कैसे दोगे आप, ग्रीन पेन से दोगे, ठीक है, आपको अंक देने हैं, अंकटाड़ से अंक, है ना, अंक देने हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, पेन चाहिए, और कैसा, ग्रीन पेन, तो ग्रीन स्पैन चाहिए, तो ग्रीन स्पैन हो जाएगा इसके महाध्यक्ष या महानिदेशक, ठीक। साथ ही
आपने देखा होगा कि पेन का जो रिफिल होता है ना, तो उसमें इंक के बाद ऐसे पारा पारा डला हुआ होता है ताकि इंक बाहर ना निकले, है ना। तो पारा डला हुआ होता है। अब भाई ग्रीन पेन लिया, उसमें पारा भी था, वो जो है आपने चूस लिया, ठीक है, चूसना से 64, ठीक है, 64, तो चूस लिया। चूसने से, पारा चूसने से क्या हो जाता है आपको पता है, जान चली जाती है ना। तो पारा चूस लिया तो फिर किससे, ग्रीन पेन से, तो वो जानलेवा हो गया, जान का खतरा बन गया, ठीक है। अंक देने थे ग्रीन पेन से, अब अंक तो दिए दिए, पर खाली समय में बैठ के वो पेन भी चूस लिया, है ना, उससे जान का खतरा बन गया, जानलेवा हो गया, क्योंकि पारा आप सभी जानते हैं जानलेवा होता है। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना होती है 1965 में, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और अचीम स्टेनर इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। चलो देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। बात हो रही है UNDP की, तो UNDP को हम रिलेट करेंगे उनकी DP, है ना, उनकी डीपी। डीपी मतलब जो आप स्टेटस पर अपने मोबाइल फोन पर लगाते हैं ना, डीपी अपनी प्रोफाइल, है ना, डिस्प्ले प्रोफाइल लगाते हो, तो इसको उससे कनेक्ट करो कि उनकी डीपी यानी UNDP, ठीक है। आपको कोई कह रहा है, आप किसी मॉडल का वेट करके करने के लिए खड़े हो ताकि आप उनका फोटो अपनी डीपी पे लगा सको, है ना, उनके साथ आप सेल्फी लेने के लिए खड़े हुए हो, ठीक है। तो आप उनका क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो वहां पर स्टे करके, क्या लेने के लिए, उनकी डीपी लेने के लिए आप वहां पर स्टे करे हुए हो, है ना। कहीं कोई एक्ट्रेस आई हुई है, आप वहां पर स्टे कर लिए आपने भी उसी होटल में, ताकि उनकी डीपी ले सको, ठीक है। तो उनकी डीपी लेने के लिए आपने क्या कर लिया, स्टे कर लिया। लेकिन वहीं कोई और भी जो है वहां का जो वर्कर था, वो आपसे बोला कि भैया उनकी डीपी न्यू नहीं है, 65 वर्ष पुरानी है। आप सोच रहे हो कि उनकी डीपी न्यू है यानी यंग है वो लेडी, वो तो 65 वर्ष पुरानी है, उनकी क्या डीपी लोगे भैया तुम, ठीक है। तो उनकी डीपी न्यू नहीं है, 65 वर्ष पुरानी है, यहाँ स्टे करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उनकी डीपी लेने के लिए यहाँ स्टे करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी डीपी न्यू नहीं, 65 वर्ष पुरानी है। तो 1965 न्यूयॉर्क, स्टे से स्टेनर, और यू उनकी डीपी से UNDP। आई होप आपको रिलेट हुई होगी ये ट्रिक। आगे देखते हैं, अगला है ADB यानी एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये होती है 1966 में मनीला फिलीपींस में, और अध्यक्ष है मत्सुगु अस्कावा। चलो जी इसको भी याद करते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक से। देखो आपने देखा होगा कई लोग कैसे होते हैं ना, कि अपने आप तो किसी भी काम में या किसी की हेल्प करने में कभी आगे नहीं आएंगे, मदद नहीं करेंगे, लेकिन दूर से खड़े होके ना उसकी दुर्दशा पर छी छी जरूर कर देंगे, है ना, कि छी कितना गंदा है बताओ, इसके पास पैसा नहीं है, है ना, कितने गंदे तरीके से रहता है। लेकिन जब बात आती है मदद करने की तो पीछे हट जाता है ना, है ना, और दूर खड़ा क्या करता है, छी छी करता है। तो ऐसे यहाँ पर बात हो रही है कि एशिया का विकास करने वाले बहुत कम लोग हैं और छी छी करने वाले बहुत लोग हैं, है ना, कि छी एशिया का विकास ही नहीं हो पाया, छी छी सबसे गंदा है एशिया, है ना। तो छी छी से 66 यानी 1966। अब भाई एशिया का विकास करना है तो छी छी मत करो, मनी लाओ, मनी लाओ। एशिया का विकास करना है तो मनी लाओ, छी छी मत करो, है ना। तो मनी लाओ से मनीला, ठीक है, अस्कावा से आपको ये डिनोट करना है कि अस्कावा मतलब ये वाला अस की बात हो रही है, यानी अपने आप से जो संबंधित होता है अस्कावा, कि अस्कावा मतलब अस करेंगे मदद, ठीक है, अस कावा कि कौन करेगा एशिया का विकास, तो अस कावा, अस करेंगे, है ना, हम करेंगे अस कावा, तो अस करेंगे एशिया की का विकास, हमें चाहिए मनी, छींची करने वाले नहीं चाहिए, हमें मनी लाने वाले चाहिए, और अस करेंगे एशियाई विकास का, एशिया का विकास, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 मनीला और अस कावा। NDB अगला क्या है, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 2014 में संघाई चीन, और अध्यक्ष है डिलीमा रूसेफ, ठीक है, डिलीमा रूसेफ।
चलो देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, बात हो रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट कि अगर आप समय समय पर न्यू डेवलपमेंट करते रहोगे, है ना, न्यू डेवलपमेंट करते रहोगे, कहाँ, अपने फोर्ट में, है ना, अपने फोर्ट में मतलब किले में, अगर आप समय समय पर अपने किले में नए नए डेवलपमेंट करते रहोगे, है ना, उसको सारी सुविधाओं से लेस करते रहोगे, तो आपका, आप क्या रहोगे, सेफ रहोगे। ठीक है, ये राजा की बात हो रही है, राजा के पास क्या होता है, किला होता है ना, फोर्ट होता है, फोर्ट कहते हैं किले को। ठीक है, तो फोर्ट से बनेगा फोर्टीन। ठीक है, अब भैया न्यू डेवलपमेंट अगर आप अपने फोर्ट में करते रहोगे तो आप राजा जी सेफ रहोगे, क्योंकि नई नई बहुत सारी ऐसी ऐसी फैसिलिटीज आ रही है जिनको आप अपना सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तो नए नए डेवलपमेंट कराइए अपने फोर्ट में और सेफ रहिए, और सेफ रहोगे तो जाहिर सी बात है शहनाई बजेगी आपके फोर्ट में, है ना, नहीं तो फिर दुख वाली शहनाई बजेगी, और अब खुशी वाली शहनाई बजेगी, तो शहनाई से संघाई, ऐसे आप इसको याद रखो। अगला है आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है, और काओ किम हाउर्न इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इंग्लिश में बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस या एशियन नेशंस। ठीक है, तो हमने बात करी इसका मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में, स्थापना 1967 में, और अध्यक्ष कौन है, इस काओ किम। चलो देखते हैं इसको कैसे याद रखोगे। देखो आसियान को याद रखो आप आसियाना से। ठीक है, आसियाना मतलब जहाँ रहते हैं, घर को बोलते हैं ना आसियाना, तो स्पेलिंग देख लेना आप, आसियाना से डिनोट करना है आपको आसियान को, आसियान से आसियाना। ठीक है, अब भैया दो, इसको एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके लिए बनाती हूँ कि दो ना काओ है, दो क्या है, काओ है, तो काओ से बनेगा काओ किम। ठीक है, काओ किम, दो काओ है आपस में बात कर रही है ना, कि जब भी वो चरने जाती है ना, बाहर बगीचे में चरने जाती है, तो वो क्या कर देती है, उस आसियाने को सड़ा देती है ना, सड़ा देती है यानी गंदा कर देती है वहां पर गोबर करके, है ना, सड़ा देती है। तो वे आपस में बात कर रही है दोनों काओ, क्या बात कर रही है काओ, कि भाई आसियाना सड़ा साथ में ना जाया करते, है ना, साथ में ना जाया करते, कि भैया अगर आसियाना सड़ाना ही है लेकिन सड़ा के कभी भी साथ में नहीं जाया करते, नहीं तो दोनों पकड़े जाएंगे कि हमने किया है ये काम, है ना। क्या कह रही है काओ, कि आसियाना सड़ा साथ में ना जाया करते, तो सड़ा साथ, सड़सठ, है ना, सड़ा साथ से बनेगा सड़सठ, और जाया करते से जकार्ता। ठीक है, जाया करता जकार्ता, और कौन कर रही है ये बात, काओ कर रही है, काओ कह रही है आसियाना सड़ा साथ में ना जाया करता। ठीक है, हुआ आपको याद, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ी फनी जरूर है लेकिन आपको ये याद रहेगी और हेल्प भी करेगी आपके एग्जाम में। अगला है सार्क। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, काठमांडू नेपाल में इसका जो है हेडक्वार्टर है, और इसाला रुवन विराकुन इसके महासचिव है। कैसे याद रखेंगे इसको, पहले सार्क की फुल फॉर्म सुन लो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, काठमांडू में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, स्थापना हुई 1985 में। अब भैया शार्क मछली तो आप सभी ने देखी होगी, तो उसी मछली से इसको डिनोट करना है शार्क को। ठीक है, शार्क मछली देखी है सभी ने। अब भैया शार्क जो है वो ना इंसान को काट लेती है ना, क्या कर लेती है, काट लेती है, और काट कर फिर उसको पचा लेती है, काट कर खाएगी और उसको फिर क्या कर लेगी, पचा लेगी। ठीक है, सार्क क्या कर लेगी, काट कर पचा लेगी। ठीक है, तो सार्क से बना सार्क, काटने से बना काठमांडू। ठीक है, काट से बना काठमांडू, और पचा से बना पचासी। ठीक है, पचा लेगी तो पचास से पचासी, तो सार्क काट कर पचा लेगी। ठीक है, और फिर आप क्या रह जाओगे, रोते रह जाओगे भैया, रोवन लग जाओगे आप तभी, है ना, रोवन लग जाओगे। कहते नहीं कि रो क्यों रहा है भाई, रोवन क्यों लग रहा है, देशी भाषा में बात करें रोवन क्यों लग रहा है, तो रुवन, है ना, रुवन इससे इसको याद रखो, कि भैया जब शार्क काट कर पचा लेगी तो रोते रह जाओगे, है ना, रुवन।
तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख पाओगे। अगला है G15। G15 की स्थापना हुई जनेवा में, और कब हुई तो 1989 में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ दो ऐसे ही। आगे चलो APEC, इसकी स्थापना होती है सिंगापुर में 1989 में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है प्रायुत चान ओ वोंगसुवान। ये भी उतना काम का नहीं है, इसको भी जाने दो। अगला देखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये है आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कोऑपरेशन, या फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। 2006 में इसकी स्थापना हुई है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है, और फ्रेडरिको विलेगॉस इसके अध्यक्ष है। अब भैया बात हो रही है मानव अधिकार की, है ना, मानव अधिकार। अब भाई आप सभी को पता होगा कि भारत में सभी मानव के पास कितने मूल अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। सभी मानव के पास कितने मौलिक अधिकार है, 6 हैं। तो 2006 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और वो हमें किसकी रक्षा के लिए होते हैं 6 मौलिक अधिकार, भाई हमारी जान की रक्षा के लिए होती है, जिसमें हमें बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, है ना, कोई शोषण करे तो उसके विरुद्ध हमारे पास अधिकार होता है, है ना। तो ये 6 अधिकार हमारे पास होते हैं हमारी जान की रक्षा करने के लिए, ठीक है। और ये सारे के सारे मानव अधिकार हमें फ्री में मिले होते हैं, है ना, फ्री। तो फ्री में मिले हुए होते हैं तो फ्रेडरिको विलेगॉस, इससे आपको याद रखना है। तो मानव अधिकार कितने हैं हमारे, 6 हैं, जान की रक्षा करते हैं हमारे, फ्री में मिले हुए हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, WTO, विश्व व्यापार संगठन, बहुत पूछा जाता है। इसकी स्थापना होती है 1995 में, जिनेवा में इसका मुख्यालय है, और नगोजी ओकोंजो इवेला इसके क्या हो जाते हैं, महानिदेशक हो जाते हैं, जो कि पूछा गया है कई बार इनका नाम भी। तो चलो देख लेते हैं कैसे हम इसको याद रखेंगे। आप सभी को पता है कि जब व्यापार की बात आती है तो व्यापार में हम क्या सोचते हैं कि भाई सभी जो भी व्यापार करता है सोचता है कि हमें जो है नफा हो, नफा मतलब प्रॉफिट हो, है ना, नफा हो। तो न से नौ, फ से फाइव, तो 1995 हो गया, है ना, 1995, ठीक है। तो व्यापार में सभी क्या सोचते हैं कि हमें नफा हो, नुकसान की बात तो कोई भी नहीं करता, ठीक है। और कई बार नफा कमाने के लिए व्यापार में जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है ना। व्यापार में क्या होता है, कई बार नफा कमाने के लिए जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है ना। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, ठीक है, नगोजी ओकोंजो इवेला। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से याद रखो कि आपका कोई रिलेटिव है और आपको बोल रहा है कि भैया एक काम करो, पढ़ लिख तो आप बतेरे लिए, जॉब नहीं लग रही है, तो एक काम करो आप ना, आप व्यापार कर लो। क्या कर लो, व्यापार कर लो। तो आपने क्या कहा कि भैया बात तो सही कह रहे हो, ओके जी, है ना, ओके जी। तो ओकोंजो या ओके जी, ऐसे इसको याद रख सकते हैं आप कि आपने कहा ओके जी, अब हम व्यापार ही करके देख लेते हैं भैया, क्योंकि नौकरी तो आ नहीं रही है, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है ना, तो व्यापार ही कर लो, नफा कमाएंगे। आगे चलते हैं एसेम। एसेम की स्थापना होती है 1996 में, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, ये भी उतना जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं बिमस्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। बिमस्टेक 1997 में इसकी स्थापना होती है, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, और तेंजिन लेकफेल जो है इसके अध्यक्ष है। बिमस्टेक की पहले फुल फॉर्म समझ लो ताकि आपको क्लियर हो। यह है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, ये हो जाती है बिमस्टेक की फुल फॉर्म। स्थापना कब होती है बिमस्टेक की, 1997, 6 जून को। ढाका बांग्लादेश में इसका क्या है, मुख्यालय है। अब चलो इसको करते हैं याद। अब बिमस्टेक को आप याद रखो बाय मिस्टेक, है ना, बिमस्टेक को आपको याद रखना है बाय मिस्टेक, ठीक है, बाय मिस्टेक। अब भैया आप खड़े हो किसी बाइक की लाइन में, ठीक है, बाइक, बहुत सारी बाइक खड़ी है, आप भी उसकी लाइन में खड़े हो ऐसे रेस में, है ना, बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है एक के पीछे एक, ऐसे आप भी खड़े हुए हो। तो माय मिस्टेक क्या होता है, आपका जो है आपकी बाइक से सामने वाले की बाइक को धक्का लग जाता है, ठीक है। बाय मिस्टेक क्या हुआ, आपकी ये बाइक है, आपकी बाइक से अगले वाली बाइक को क्या लग गया, धक्का लग गया, तो धक्का से ढाका, ठीक है। अब धक्का लगते ही क्या हुआ, अगले वाली बाइक के हो गए है ब्रेक फेल,
ठीक है, धक्का लगते ही क्या हुआ, बाय मिस्टेक क्या लगा, बाय मिस्टेक लगा धक्का, और धक्का लगते ही हो गए ब्रेक फेल, तो ब्रेक फेल से लेक फेल, ठीक है, ब्रेक फेल को आप लेक फेल से डिनोट करेंगे, ठीक है, बाय मिस्टेक कैसे लगा धक्का, अगर मैं आपसे पूछूं तो बाय मिस्टेक धक्का लगा, और धक्का लगते ही अगली वाली बाइक के क्या हो गए, ब्रेक फेल हो गए। अब भैया वहां जितने भी लोग खड़े हुए थे सबने पूछा कि किसने मारा धक्का, किसने मारा धक्का, है ना। अब उनमें से कुछ ने आपको देख लिया था कि आप आपसे लगा था धक्का, है ना, आपने फिर क्या बोला भाई अपने बचाव के लिए कि नो नो साथ नहीं था मैं उसके साथ नहीं था, वो धक्का तो बाय मिस्टेक लग गया, मैं उसके नो मैं उसके साथ नहीं था, तो नो मैं उसके साथ नहीं था, तो 1997 धक्का कैसे लगा, बाय मिस्टेक लग गया, और बाय मिस्टेक धक्का लग के क्या हो गए, ब्रेक फेल हो गए, तो लेक फेल, ठीक है, याद हो गया, मेरे ख्याल से आपको हो गया होगा आसानी से याद। अगला देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SCO यानी संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, बीजिंग में इसका क्या है मुख्यालय है, और झांगमिंग जो कि चाइना के ही है ना, तो ये इसके महासचिव है। देखो इसकी तो बड़ी फनी ट्रिक है याद रखने के लिए। अब बात हो रही है SCO की, आप सभी को पता है SCO एक ना पुलिस में भी एक पोस्ट होती है, SCO अधिकारी होता है ना, ध्यान है सभी को, SCO क्या होता है, एक अधिकारी पोस्ट भी होती है पुलिस में, तो आपके वहां कोई एक क्या है SCO है, ये छोटी सी स्टोरी सुनो, आपके इलाके में कोई एक SCO है और वो बहुत बिजी रहता है, क्या रहता है, बहुत बिजी रहता है, आप कोई भी शिकायत लेके चले जाओ वो आपकी सुनता ही नहीं है, है ना, एक SCO है और वो बहुत बिजी रहता है, कभी भी आपकी या किसी की भी कोई शिकायत सुनता नहीं है, तो लोगों ने क्या करा, प्लानिंग की कि इस बार उसको झांगना पड़ेगा, है ना, झांगना मतलब पिटाई करनी पड़ेगी उस SCO की, तभी वो सबकी बात सुनेगा, वो ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है, बिजी रहने का नाटक करता है, तो इस बार उसको झांगना पड़ेगा, बोल देते हैं ना कि झंगाई मांग रहा है झांगना पड़ेगा, तो एक SCO बहुत बिजी रहता है तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, झांगना पड़ेगा। अब देखो आपका सारा का सारा टेंशन ही खत्म, SCO कितना था एक, तो 2001 में हुई स्थापना। अब भाई SCO कैसा क्या रहता था, बहुत बिजी रहता था, तो बिजी से बनेगा बिजिंग, अब बिजी रहता था तो उसको क्या करना पड़ेगा, झांगना पड़ेगा, तो झांगमिंग महासचिव हो गए, बहुत सिंपल से तरीके से आपको सारे याद हो गए। अगला है ICC अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ICC की स्थापना हुई 2002 में, हेग नीदरलैंड में इसकी क्या है मुख्यालय है। देखो इससे पहले भी हमने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करी थी, उसका भी मुख्यालय नीदरलैंड हेग में ही था, है ना, वही वाला याद रखो, इसको रहने दो। नेक्स्ट है अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन, इसकी भी स्थापना 2002 में होती है, और अदीस अबाबा जो है इसके अदीस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है और महानिदेशक है पॉल कॉग में, ठीक है, अफ्रीकी संघ, इसको आप अपने तरीके से रिलेट कर लो, मुझे इसका समझ नहीं आया कैसे बनाना है ट्रिक, अगर आप बना पाओ तो बता देना, मैं भी आपका जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी ताकि बाकी सभी की हेल्प हो सके। अगला है इबासा, ये भी 2004 में स्थापित हुआ, लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, नहीं पूछा जाता आपके पेपर में तो ज़रूरत भी नहीं है इसको देखने की। अगला है ब्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स वाला, और ये अगला भी बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों ही यहीं से क्वेश्चन बनते भी है। बात कर रहे हैं ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 और संघाई चीन में, और इसके जो महानिदेशक है वो कौन है, सर्गेई रयाकोव। अब भैया आप जो है किसी के संग जा गए सगाई में, ठीक है, आप किसी के संग जा रहे हो, किसी फ्रेंड के किसी दोस्त के क्या संग में आप गए, ठीक है, उसके संग आप गए कहाँ, सगाई में, ठीक है, सगाई में, किसी की सगाई में आप गए अपने फ्रेंड के संग, और वो कहने लगा कि ना हम इसको ना गिफ्ट में मजाक करने के लिए ब्रिक्स दे देंगे, है ना, कि गिफ्ट में पैक करवा के क्या दे देंगे उसको, ब्रिक्स दे देंगे, ठीक, ब्रिक्स दे देंगे, तो आपने क्या कहा, नो ऐसा मजाक मत करो भाई, अगर गिफ्ट नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो कि गिफ्ट में आपने ब्रिक्स को पैक करके दे दिया, नो ऐसा मजाक मत करो, ठीक है। कब की बात है, ब्रिक्स कहाँ देने वाले थे भैया, सगाई में आप किसी के संग जा करके, ठीक है, तो संग से बनेगा यहाँ पर संघाई, और सगाई से बनेगा सर्गेई,
सरगेई, ठीक है। और ब्रिक्स देने वाले थे, तो यानी ब्रिक्स संस्थान की बात हो रही है, और आपने क्या कहा, नो ब्रिक्स मत दो, है ना, नहीं गिफ्ट देना तो मत दो, लेकिन ब्रिक्स भी ना दो, मजाक मत करो ऐसा। तो दो नौ से 2009, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो भारत में ही है, ठीक है, और इसके महानिदेशक है वे भी भारतीय है, तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चलो देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, 2015 में इसकी हुई थी स्थापना, और महानिदेशक इसके कौन है, अजय माथुर है। कौन है, अजय माथुर है। आईएसए की इंग्लिश में फुल फॉर्म की अगर बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी फुल फॉर्म होती है, तो मैंने आपको बताया नवंबर 2015 में इसकी क्या होती स्थापना, गुरुग्राम हरियाणा में, अजय माथुर इसके महानिदेशक है। देखो सौर गठबंधन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है सौर ऊर्जा से संबंधित है ना, यानी कि सूर्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा से संबंधित है, सनलाइट से, तो सूर्य की बात हो रही है, कुल मिलाकर के यहाँ बात हो रही है सूर्य से संबंधित। तो सूर्य भगवान पर जो है कई बार बहुत सारे आक्रमण किए गए, आपने पुरानी कथाओं में कहानियों में सुना होगा कि सूर्य पर ना बहुत बार आक्रमण किए गए, लेकिन कोई विजय नहीं प्राप्त कर पाया, है ना, क्योंकि वो क्या थे, अजय थे, है ना, अजय थे, जिस पर यानी जो सबसे जीत गए हो या फिर जिस पर कोई विजय प्राप्त ना कर सके, ठीक है, वो क्या थे, अजय थे। कौन, सूर्यदेव, ठीक है, और वो सबके क्या थे, गुरु थे। सूर्य जी भगवान को सब अपना गुरु मान के सुबह जल चढ़ाते हैं, है ना, जल अर्पित करते हैं, तो सब उनको क्या मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, ठीक है, और वो अजय थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, और इसी के साथ हमारे जितने भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जहां से क्वेश्चन आता है, ये सभी हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा दोस्तों, और ये सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको याद भी हो गए, साथ साथ स्थापना वर्ष, मुख्यालय और इनके महासचिव। तो दोस्तों क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इसी तरह का बेस्ट मटेरियल आपको मिलता रहे, जो कहीं यूट्यूब पर अवेलेबल ही नहीं है, इस तरह की कोई ट्रिक जिसमें आपको तीनों चीज़ें एक साथ कवर कराई जाए। तो मेहनत लगी है तो आप भी थोड़ी सी हेल्प करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।